नमस्कार, मैं पौतोत्री एनएमसी न्यूज से, और नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। मुंबई मर्डर केस, सबूत मिटाने प्रेमिका के शव को कुत्ते को खिलाकर भी हुआ गिरफ्तार, पुलिस ने किया साइको प्रेमिका पर्दाफाश। ढाई दिन के मशक्कत के बाद 300 फीट गहरे बोरवेल से बच्चे के शव को बरामद किया गया। 2000 के नोट को लेकर आरबीआई गवर्नर ने फिर दी बड़ी जानकारी, बैंक में जमा कराने पर आम लोगों को होगा फायदा। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के दूसरे दिन भारतीय गेंदबाजों ने शानदार प्रदर्शन किया। ऑस्ट्रेलिया 469 रन पर ऑल आउट, स्टीव स्मिथ ने शतक लगाया। अब खबरें विस्तार से। लिव इन पार्टनर सरस्वती वैद्या और उसका बॉयफ्रेंड मनोज साहनी मीरा रोड के एक बहुमंजिला आवास में किराए पर फ्लैट में रहते थे। शुरुआती जांच के बाद पुलिस का अनुमान है कि मनोज ने 3-4 दिन पहले सरस्वती की हत्या की थी। हत्या का पता ना चले इसलिए उसने शव को घर में ही रख दिया। प्रेमी मनोज ने पेड़ काटने वाली आरे से सरस्वती के शव के 20 टुकड़े कर दिए। इसके बाद टुकड़ों को प्रेशर कुकर में पकाया और निपटाने के लिए प्लास्टिक की थैलियों में पैक किया और कुत्तों को खिला दिया। कुछ दिन पहले उस फ्लैट से दुर्गंध आने लगी थी। इस बात को लेकर बाकी फ्लैट के लोगों को शक हुआ। उन्होंने स्थानीय थाने से संपर्क किया। खबर मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंच गई। उसके बाद सरस्वती का शव फ्लैट से बरामद किया गया। 2.5 साल की बच्ची खेलते खेलते 300 फीट गहरे बोरवेल में गिर गई। ये दर्दनाक हादसा मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के मुंगौली में हुआ। गुरुवार को बच्चे को कुएं से बाहर निकालते ही डॉक्टरों ने उसकी जांच की, तब उनके शरीर में जान नहीं थी। इसके बाद जिला प्रशासन ने आधिकारिक तौर पर बच्चे की मौत की घोषणा। आरबीआई गवर्नर ने दावा किया कि बैंकों में जाकर 2000 रुपए के नोट जमा कराने से अर्थव्यवस्था में औसत तरलता बढ़ेगी। इसी दिन गवर्नर शक्तिकांत दास ने भी व्यावहारिक रूप से इसे सील कर दिया था। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर ने आम लोगों को 2000 रुपए के नोट बदलने को लेकर आश्वस्त किया। उन्होंने कहा, जल्दबाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, नोट वैध है, इसीलिए कोई भी व्यापारी या संस्था इन नोटों को लेने से मना नहीं कर सकता। हालांकि शक्तिकांत दास ने ग्राहकों को नोट बदलने के लिए आखिरी दिन तक इंतजार ना करने की सलाह दी। अंतिम समय की भीड़ और भीड़ से बचने के लिए अग्रिम रूप से बैंक जाकर 2000 रुपए के नोट जमा कराने को कहा। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल मुकाबला शुरू हो चुका है। इस मैच का आयोजन लंदन के कैनिंगटन ओवल में किया जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी खत्म हो चुकी है। पहली पारी में ऑस्ट्रेलिया का अश्वमेध घोरा आखिर में 469 रन पर रुक गया। दूसरे दिन सुबह ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान स्टीव स्मिथ ने अपना शतक जमाया। इसके बाद मोहम्मद सिराज फाइनल मैच में ही 4 विकेट लेने वाले इकलौते भारतीय गेंदबाज थे। बाकी शार्दुल ठाकुर, मोहम्मद शमी और रविंद्र जडेजा ने भी विकेट लेने में सफल रहे। आज के लिए बस इतना ही। देश विदेश की तमाम खबरों से रूबरू होने के लिए देखते रहिए एनएमसी न्यूज़।